देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए बुलेट ओवर ए हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज टी सेकेंड्स, द इंक्लिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन टू द हॉरिजॉन्टल इज। तो मैंने मान लिया जो इंक्लिनेशन है वो हमारा क्या है अल्फा, रेंज की बात हो रही है, रेंज का फॉर्मूला होता है टू यू स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा कोस अल्फा बाय जी। एक फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं ये भी गिवन मिलेगा, यू स्क्वायर साइन ऑफ टू अल्फा बाय जी। तो यहाँ से ये लिख लो चाहे ये लिख लो सेम है, क्योंकि साइन टू अल्फा भी क्या होता है टू साइन अल्फा कोस अल्फा, और टी क्या होता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका फॉर्मूला होता है टू यू साइन अल्फा बाय जी। अब देखो मैंने टी स्क्वायर बाय आर क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर टी स्क्वायर बाय आर हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं टी स्क्वायर बाय आर को सोल्व करती हूँ तो मेरे पास सोल्व करने बाद आ जाएगा टू बाय जी टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या किया जो हमारे पास टेंजेंट अल्फा था उसको एक साइड रख लिया और बाकी को एक साइड। तो अल्फा निकालेंगे तो टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा टेंजेंट ऑफ इनवर्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ